और आप देख सकते हैं ये वेव सिनेमाज है मुरादाबाद में। तो पिक्चर नहीं देखे हुए करीब 35 इयर्स हो गए हैं, तो आज अपने पारिवारिक मित्रों के साथ यहाँ पर हूँ। तो आज हम देखेंगे वेव सिनेमा में मूवी देखने जा रहे हैं। तो इस तरह का आज एक हमारा प्रोग्राम बना, तो पुरानी यादें यहाँ पर बचपन की, अपने युवावस्था की याद होंगी, ताज़ा की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि वेव सिनेमा में हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अंदर का सीन आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरह की संस्कृति में पुराने जो पिक्चर हॉल थे ऐसे चेंज हो गए हैं, कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आप देख सकते हैं लोग बाग वैसी टाकीज तो अब होती नहीं, इस तरह की टॉकीज में आप जो है आके लोग बाग अपना पिक्चर इत्यादि देखते हैं। आगे हट के थोड़ा सा ब्लॉक है, देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सुविधाएं देखने को मिलती हैं। काफ़ी चेंज हो गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। इस तरह से यहाँ मॉल में दुकानें हैं, इस तरह का कल्चर है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा चारों ओर जो है बेहतरीन ये मॉल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पिक्चर हॉल है, इस तरह से हम साथ में यहाँ सामान लेने भी आए हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और एक कल्चर मुझे लगा जो पिक्चर हम लोग देखा करते थे, अब कितना चेंज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, उसको सामने आज देख सकते हैं। तो ये पूरी टीम है हमारी जो आज यहाँ पर पिक्चर देख रही है, और बहुत सालों बाद हमारी एस तिवारी पहली बार आज ये आधुनिक पिक्चर को देख पाएंगे हॉल में, और इस प्रकार की एक मेमोरी हम ताज़ा करेंगे आज। चलिए चलते हैं। तो इस तरह का मॉडर्नाइजेशन देख सकते हैं आप, काफ़ी साफ़ सफाई आज के माहौल में। पहले आप देखते थे किस प्रकार के टॉकीज हुआ करती थी, उसी में मूंगफली वाले आते थे, उसी में कई अन्य चीज़ें खाने को मिल जाती थी। अब धीरे धीरे सब चेंज हो गया है, हर चीज़ आपको एक मैसेज पर मिल जाती है। तो चलिए देखिए, आप भी देखिए इस तरह से, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हमको मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टेप पे। ये आप देखिए, ये प्रवेश द्वार है, हर जगह पर सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट मोड में यहाँ पर दिखती है। ये नीचे का पोर्शन जहाँ से मैं आया था, इस तरह का मॉडर्नाइजेशन। तो आप ये देख सकते हैं ये सिनेमा हॉल है, वेव टू यहाँ लिखा हुआ है, वेव मॉल है। तो यहाँ पर हम सभी लोग आज पिक्चर, हमारी दीदी हैं, इन्हीं के संरक्षण में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बढ़िया एसी है, हालांकि पहाड़ पहाड़ है, आज हम यहाँ मैदानी क्षेत्र में हैं, लेकिन गर्मी का है एहसास नहीं है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर एसी लगे हुए हैं, और काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी स्वच्छता के वातावरण में। इस तरह से ये मॉडर्नाइजेशन में अभी हम लोग सिनेमा हॉल को देखेंगे आज, जो है आनंद लेंगे पिक्चर का। हॉल के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जो आपको खाना पीना है। पहले पिक्चर हॉल के अंदर मूंगफली वाले आते थे, तो आज आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न भी है, लेकिन एक नए पैटर्न में है, नए रूप में है। इस प्रकार से मॉल के अंदर आप देख सकते हैं, और जगह जगह जो पोस्टर्स हैं वो नए फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं भी आज 35 इयर्स बाद ये पिक्चर देख रहा हूँ, तो मैं महसूस कर सकता हूँ उस समय के वातावरण में और आज के समय में। सब समय का तकाजा है, चेंज, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। अजिता तिवारी हमारी और ये साथ में सब देखने के लिए आज पिक्चर आए हैं। यस तिवारी जी काफ़ी उत्साहित हैं, ही इज़ इन्जॉइंग दी सिनेमा हॉल। ये हमारी पत्नी है, हमारी दीदी हैं। तो यहाँ पर वेद मॉल में आज सब लोग आनंद ले रहे हैं। अभी पिक्चर प्रारंभ होने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा समय है, तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एसी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है नहीं, और बहुत अच्छा, काफ़ी साफ स्वच्छ मॉल ये है। तो यश तिवारी हमारे पहुंच गए हैं काउंटर पे, और अब इस तरह के काउंटर देखिए, जो पॉपकॉर्न बेचने वाले उस समय सिनेमा हॉल में आते थे, उनकी जगह इस तरह से पॉपकॉर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, और कई प्रकार के आपको यहाँ पर खाद्यान्न सब यहाँ को आपको देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक आपको मैं ये देखिए सब कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, फोटोग्राफी इत्यादि लोग कर लेते हैं यहाँ आने से पहले। इस
तरह के पोस्टर्स मिल जाते हैं बैठने के लिए, हर जगह आपके बहुत अच्छे यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना बच्चों के साथ, बहुत बेहतरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फैसिलिटी इन संस्थानों में निर्मित की गई है। जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो एक टिकट मिलता था और वहाँ एक दो लोग रहते थे, वो हमको सीट में बैठाया करते थे कि यहाँ पर आपकी सीट है। अब आप देखिए पूरे स्क्रीन पे ये मॉडर्नाइजेशन है, पूरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरी सीटिंग व्यवस्था आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी डिस्प्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपकी अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट आपका कहाँ पर है। तो पिक्चर का नाम है जरा हटके जरा बचके, आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोग बाग यहाँ बढ़ने लग गए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होने लग गई है। तो ये रही सिनेमा हॉल के अंदर का दृश्य, आप देखिए सभी लोग अपनी सीटें देख रहे हैं और हमारी सीट जो है ढूंढ रहे हैं हमारे साथी लोग, और अभी दर्शक कम है, धीरे धीरे दर्शकों का आना यहाँ पर शुरू होगा। राष्ट्रीय गान जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बहुत ही इमोशनल ये राष्ट्रीय गान यहाँ पर है, काफी मैसेजिंग है।
तो आज काफ़ी समय बाद इस पिक्चर का आनंद लिया और ये पिक्चर अब समाप्त हुई। जरा हट के जरा बच कर।